वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी बैठ खडूरे जोत जगाई। गुरु नानक देव जी का गुरु अंगद देव जी नूं खडूर भेजण दा मुख कारण यह सी कि सिक्खी का वध तो वध प्रचार हो सके। गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा सिक्खी का बूटा लाया सी वह वध फुल सके, इसलिए गुरु नानक देव जी ने आप भी उदासियां कीतियां सी। जदों गुरु अंगद देव जी ने यह देख लिया कि उन्होंने उत्थे टिकण नाल झगड़ा होर वधना है, तो पार ब्रह्म पंथ साजन लई खडूर विखे आ गए। साडे साखीकारां भी लिखिया है, भिख्यो जब बढ़त फसंद, पाए हुक्म गुर कीर आए खडूर थिराए। भाई गुरदास जी ने इसे लई उचेचा लिखिया है कि गुरु नानक देव जी हथों मिली बख्शिश लैके गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर छड़ दिता। उस मिली बख्शिश सदका दूजे पातशाह दी भी सिफत सब पासे फैल गई। ओ जोत हुण खडूर विखे चानण खलेरन लग पई। ऐसा एकांत होण दा गुरु जी दा मंतव यह ही लगदा सी कि गुरु पालना पैंदा है, गुरु दा सुत्ते सिद्ध प्रकाश है, गुरु नूं कोई टंडोरा जां दोही फेरन दी लोड़ नहीं। नाल ही जो दोखी ते संबंधी वाद करन वाले हन संगतां उन्हां दा वी रंग ढंग वेख लैण। इह भावें हर एक ते प्रगट हो गया सी कि गुरु गद्दी दी जिम्मेवारी गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी नूं दे गए सन, पर अजे इह किसे नूं नहीं सी पता कि उह करतारपुर छड के खडूर जां किधरे होर चले गए हन। संगतां उसे तरह करतारपुर आउंदियां, पर उत्थे गुरु अंगद देव जी दी थावें होरनां नूं दंब रचांदे ते जाल पाया देख के बेचैन हो मुड़दियां। कई सिख दस्यां टिकाणियां ते भालण लई वी जांदे। इसे तरह 6 महीने बीत गए, पर जदों गुरु जी दा टिकाणा ना लब्भा तां मुखी सिखां ने कहा कि बगैर बाबा बुढ़ा जी तों गुरु जी दा थौ पता लभणा मुश्किल है। बाबा बुढ़ा जी नूं गुरु नानक देव जी वर दे के गए सन कि तैथों ना कदे ओले हो सां। समा हथों लंघ रहा सी, बाबा श्री चंद जी बहुत तिखे हमले कर रहे सन, अते ए डर सी कि संगतां विच किधरे ना मिटन वाली दुबदा ही ना पै जावे। सो सिद्धी बेनती बाबा बुढ़ा जी नूं करन लई संगत तुर पई। जन्म साखी विच लिखिया है कि पांच सिखां भाई अजिता रंधावा, भाई धीरो जी, भाई बूढ़ा कलाल, भाई भगीरथ आनंद ते भाई साधारण गुरु जी नूं भालण लई निकले सन। यह सब रमदास बाबा बुढ़ा जी पास पुजे। बाबा जी उसे समय ही उन्हां नाल हो तुरे। बाबा जी यह समझदे सन कि माता विराई जी ही ठीक दस पा सकेगी, सो सारे संगर पुजे। माई नूं जदों यह पता लगा कि बाबा बुढ़ा जी पांच सिखां दे नाल उस दे घर वल आ रहे हन, तां बचना ते पहरा देंदी अगों जा मिली। बाबा बुढ़ा जी जाण गए कि जोत इत्थे ही टिकी है। माई दे चेहरे दा हाव भाव दसदा पिया सी। रतन भी कदे लुकाया लुके ने। बाबा बुढ़ा जी ने माई विराई जी नूं अगों आउंदियां ही इह तुक पड़ी, नानक देख दिखाइए हो सद बलिहारे जास। माई चुप रही। हुण सारिया ने जोदड़ी कीती कि पता दस दिओ किथे विराज रहे हन गुरु अंगद देव जी। माई ने हुण इतना कहा कि गुरु जी आपे जानदे हन कि किस वेले संगतां विच विचरना है। यह हठ कोई चंगा नहीं, रजा विच रहण दा होर ही स्वाद है। बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि सानू मालूम होया है कि गुरु तेरे घर में है, तैनू दसण दी आग्या नहीं, असीं इह जाण गए हाँ। बलवंड रबाबी साडे नाल है, गुरु नानक देव जी इस दी बांह गुरु अंगद देव जी नूं फड़ा गए सन। माता वैराई दे घर पुज बलवंड नूं बाबा बुढ़ा जी ने कहा, रबाब बजाए शब्द गाओ, आपे गुरु नानक दी आवाज सुन बाहर आ जाणगे। ऐसा ही होया, रबाबी ने जद शब्द गाया
गुरु अंगद देव जी बाहर आए, मुखों वाह वाह दे बचन कीते। सब नू देख मुस्कराए के भली व्योंत बाबा बुढ़ा जी ने कड़ी। असल गल प्रगट कर दिती के गुरु नू पौना होवे, रिझाना होवे, मिलना होवे ते चरण परसने होण तां राह इको कीर्तन है। कीर्तन सुन उपर तक हो उठदा है। गुरु जी विचारां पै करदे सी के माई वे राय जी ने उत्थे ही प्राण त्याग दिते। गुरु अंगद देव जी माई वे राय जी दा संस्कार करके जदों घरे मुड़े तां विचारां करन लगे कि हुण इत्थे टिकाणा कीता जाए जां किधरे होर। बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि संगर दे लागे ही खडूर पास एक एकांत थां उच्चे टिब्बे हन, उत्थे ही टिकाणा करना ठीक रहेगा। गुरु अंगद देव जी दी चाल झली नहीं सी जांदी। दिनां विच संगतां दा इकट्ठ होण लगा, हर समय लंगर चलदे। गुरु जी पहर रात रहिंदी उठदे, इशनान करदे। इशनान करन उपरंत सहज समाध लीन हो जांदे। कोई फुरना संकल्प विकल्प पाप पुन दा उस समय ना उठदे। आप अपने टिकाणे तो पह फुटन वेले उठदे ते धर्मशाल वल चल पैंदे। उस समय जिस पर भी दृष्टि पैंदी उसका दुख दर्द दलिद्र रोग संताप दूर हो जांदा। लंगर छकन तो बाद जो कुछ होता सो पशु पंछी जो होते सबको प्रसाद मिलता। फिर बर्तन उल्टे कर छोड़ते, पानी तक ना रहता बर्तनों में। कीर्तन विच जुट जांदे, सवेर ते शाम दोवें वेले वाण वटदे। वाण वट के जो कमाई हुंदी उसनू लंगर विच ही पा देंदे। वाण वटदे ही खडूर ते बालकां नू बुला लैंदे, उहनां नू आप पढ़ांदे, सिख्या देंदे, बाल बोध दे कायदे लिख के दे दिंदे, फिर उहनां नाल ही खेडदे। उस समय होर कोई नेड़े नहीं सी आ सकदा। तीजे पैर उत्थे अखाड़ा बना के पहलवाना दियां कुश्तियां करवांदे, खिडारियां वाली रुचि संगतां विच भरदे, हार जित नू इको जिहा जानण दा उपदेश भी दिंदे। फिर शाम नू बलवंडर बाबी दी चौंकी हुंदी शब्द की, फिर कथा वार्ता हुंदी, फिर जद पहर प्रतीत हुंदी तब गुरु जी सेज पर सैन करते। सिद्धा नू जदों यह पता लगा कि गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी नू गुरगद्दी बख्शिश कीती है, तां उहनां ने विचार बनाया कि गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते जाण, जिन्हां अगे अचुक गुरु नानक देव जी भी चुक गए हन। दूजा उहनां नू जोगमत अपनाउण लई प्रेरणा करिए। मछंदर गोरख भरथरी चरपट ईशरनाथ ते गोपी चंद गुरु जी दी प्रतिज्ञा लैण गए। उन्हां ने सब तो पहला यह सवाल कीता कि तुहाडे विच अजिहे किहड़े गुण हन कि गुरु नानक देव जी भी तुहाडे अगे झुक गए। निम्रता दे पुज गुरु अंगद देव जी ने कहा कि कोई बच्चा धूड़ विच रुल रहा होवे ते पिता उसनूं छाती नाल लगाउण लई झुके तां ओह झुकणा नहीं, मेहर करनी कहनी चाहीदी है। दात गुरु जी दी बख्शिश नाल मिलदी है। जेकर तुहानू साडी इह वीडियो पसंद आई तो इसनू वध तो वध लाइक शेयर अते सबसक्राइब करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।